रानी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिना उबाले कुकर में सूरन की सब्जी बनाऊंगी, वो भी बहुत ही कम तेल में और बहुत ही स्वादिष्ट की सब्जी बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे सूरन को छील करके इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है फ्रेंड। और यहाँ पर मैंने दो प्याज लिया है, इसको भी काट लिया है, तीन टमाटर लिया है, अदरक ली है और हरी मिर्च ली है, और बाकी के मसाले में बनाते वक्त डालूंगी। तो चलिए शुरू कर। तो गैस पे मैंने कुकर जो है चढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। इसमें डाल रही हूँ तेल, तेल हम दो या तीन चम्मच लेंगे फ्रेंड। ये देखिए मैंने ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, तो इसमें जीरा डाल दे रही हूँ, दो तेज पत्ता, मैंने जो प्याज लिया था, अदरक, उस बारीक अदरक को काट लिया है, और हरी मिर्च को इस तरह से बीच से थोड़ा थोड़ा काट लिया है, इसको भी डाल दे रही हूँ। अब इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। प्याज का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी चीजें इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है और बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। ना इसमें उबालने का झंझट होता है, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सिंपल सी और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है अगर इस तरह बनाएंगे तो। जब तक इधर प्याज भून रहा है तब तक हम मसाला अपना तैयार। मैंने लिया है यहाँ पे एक कटोरी, कटोरी में डाल दे रही हूँ दो चम्मच धनिया, धनिया पाउडर है, और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी इसमें, एक चम्मच जो है गरम मसाला, और जितना आपको तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। और सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा पानी डाल करके घोल तैयार करना है। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरह घोल बना लें, इसके बाद मसाला को इसमें भूनें तेल में। ये देखिए हमारा घोल जो है तैयार। ये देखिए प्याज भी अच्छा कलर चेंज हो गया है इसका। तो अब इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं डाल दूंगी स्वादानुसार नमक और इसको मिक्स कर लेती हूँ। और टमाटर को हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें जो मैंने मसाला तैयार करके रखा है इसको डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, और इसके साथ मसालों को हमें भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड मसाला जो है अच्छे से भून गया है और बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए मसाला हमारा रेडी है, तो इसमें सूरन डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको एक दो मिनट और पका लेंगे मसालों के साथ सूरन को भी। तो ये देखिए फिर दो तीन मिनट हो गया है, सूरन भी भून करके तैयार हो गया है इसमें मसालों के साथ। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बहुत कम तेल में सब्जी ये बनती है सूरन की। अब इसमें डालूंगी मैं पानी, पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने पानी डाल दिया है, मैंने दो गिलास के लगभग पानी इसमें डाला हुआ है। अब इसका ढक्कन लगा देती हूँ और इसे 5 सीटी आने तक हम पकाएंगे, क्योंकि हमने कच्चा सूरन लिया था को, तो इसे 5 सीटी आने तक पका लेना है। तो इसे पकने देती हूँ, 5 सीटी हो गया है फ्रेंड, गैस को बंद कर देती हूँ, ठंडा होने देती हूँ।
सीटी देखिए फ्रेंड ठंडी हो गई है, तो इसे खोल लेती हूँ। और ये देखिए कितनी लाजवाब जो है सब्जी बन के सूरन की तैयार हुई है, ये देखिए। और चेक कर लेती हूँ सूरन गला है कि नहीं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सूरन भी अच्छे से पक गया है। देखिए फ्रेंड सूरन की सब्जी जो है हमारी बन के तैयार हो गई है। हमने ये यहाँ पे आधा नींबू इसको गाड़ दे रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेना हमको। तो आज की हमारी सूरन की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।